नमस्कार। आज हम आंवड़ा की सूखी सब्जी बनाने जा रहे हैं। ये आंवड़ा बिहार और झारखंड में गर्मी के दिनों में ये फल जाता है और बरसात शुरू होते ही ये खाने के लायक तैयार हो जाता है। इसकी सब्जी बनाई जाती है और मुरब्बा बनाया जाता है, इसका मीठा बनाया जाता है और अचार बनाया जाता है इसका। और इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है क्योंकि खट्टा होता है ना, जिसे हम जैसे मिर्ची के अचार बनाते हैं उसी उसी तरह से इसमें हम सरसों डालेंगे। सरसों थोड़ा सा अधिक रहता है तो इसमें हम 4 से 5 चम्मच के आसपास सरसों ले लिए हैं और 2 गोटा हम लहसुन छील के ले लिए हैं और थोड़ा सा मेरे पास कढ़ी पत्ता या कढ़ी पत्ता ले लिए हैं और 3 हम मिर्ची हरी मिर्ची ले लिए हैं। और ये मेरे पास आंवड़ा है तो आंवड़ा आप इस प्रकार से लेंगे। ये 2-3 तरह का आता है और ये लंबा वाला होता है ना, सो बहुत जल्दी देखिए आपको हम काट के दिखाते हैं। देखिए कितना आसानी से कट जा रहा है। ये दिखने में मोटा मोटा दिखता है पर बहुत खिंचा होता है। देखिए बहुत आसानी, अगर आप कभी आंवड़ा खरीदें तो इसी प्रकार से लंबा वाला खरीदेंगे ना और वहाँ पर काट के देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हार्ड है। तो ये आंवड़ा है, इसको हम 2 भागों में काट लिए हैं। आंवड़ा को हम 2 भागों में काट लिए हैं। देखिए बीच से हम चीरा लगा के इसको अलग कर दिए हैं। इसमें 4-5 हम हरी मिर्च डाल दिए हैं चीरा लगा के। इसको हम आंवड़ा के साथ ही डाल देंगे। मिक्सर जार में हम कढ़ी पत्ता डाल देंगे। अगर आपके पास कढ़ी पत्ता है, आपके घर में कढ़ी पत्ता है तो आप कढ़ी पत्ता ज़रूर खाएँ क्योंकि उसे मीठा नीम कहा गया है। तो इसमें हम ये डाल दिए और हम सरसों डाल देंगे। इसको हम पीस लेते हैं, अच्छे महीन पीस लेंगे। गैस पे हम कढ़ाई रख दिए हैं, कढ़ाई गरम हो गया है। इसमें हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें हम जीरा डाल देते हैं। जीरा चटकने लगा, जो हम हरी मिर्च जीरा लगा के रखे हैं डाल देंगे। अभी आँच हम धीमा कर देंगे। देखिए आँच हम धीमा कर दिए हैं। अब इसमें हम कढ़ी पत्ता, और मेरे पास है तो हम कढ़ी पत्ता डाल देंगे। अब हम जो मसाला बना के रखे हैं सरसों मिर्ची और लहसुन का, उसे हम डाल देंगे। आँच अभी भी हम धीमा रखेंगे। अब हम आँच तेज कर देंगे और इसको मिला लेते हैं इस प्रकार से। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। आप इसे चावल दाल या रोटी के साथ खाएं। अब इसमें 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे और 1/4 सौंफ पाउडर डाल देंगे और 1 चुटकी हम इसमें हींग भी डाल देंगे। एक चम्मच हम इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे और सबको हम अच्छे से मिला देंगे। थोड़ा सा इसमें मसाला का पानी डालेंगे। मसाला का पानी डाल के हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे और इसमें हम 1.5 चम्मच हम नमक डाल देंगे क्योंकि ये खट्टा है तो इसमें थोड़ा सा नमक अधिक रहेगा, इसलिए हम 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे। अब हम सबको मिला के और आँच हम तेज कर देंगे और इसको तब तक हम भूनेंगे जब तक कि इससे तेल अलग ना होने लगे। जब इससे तेल अलग होने लगेगा तो जो हम आंवड़ा काट के रखे हैं उसे हम डाल देंगे। इसे हम अभी ढकेंगे नहीं, यूं ही हम भूनेंगे क्योंकि हम इसमें नमक डाल दिए हैं, इससे बहुत जल्दी तेल अलग होने लगेगा। देखिए इससे तेल अलग होने लगा है। इसमें हम थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच और हम पानी डालेंगे और पानी डाल के अच्छे से इसको हम भूनेंगे। थोड़ा सा इसमें हम 2 चम्मच के आसपास पानी डाल देते हैं और पानी डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे इसे। अब हम आँच धीमी कर देंगे और जो हम आंवड़ा काट के रखे हैं इसे हम इसमें डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसे फ्राई कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिला देंगे, पूरा मसाला में हम इसको मिला देंगे और इसमें हम 1 से 2 चम्मच और हम पानी ऐड करेंगे और पानी पानी मिला के और इसे हम 1-2 बार चला लेंगे और थोड़ा सा हम अभी आँच को कम अधिक करते रहेंगे, थोड़ा सा आँच को हम बढ़ाएंगे और इसको 1-2 बार हम अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलने के बाद जब ये गर्म हो जाएगा पूरी तरह से, उसके बाद धीमी आंच करके हम इसे ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। धीमी आंच पे पकने देंगे। उतना देर में मेरा जो अभी देख रहे हैं आप आंवड़ा कच्चा है ना, वो पक जाएगा। आपको हम काट के दिखाएंगे। अभी आप देखिए पूरा कच्चा है तो 5 से 7 मिनट में बिल्कुल पक जाएगा। अब हम धीमी कर देते हैं। आज हम धीमी कर दिए और एक प्लेट से हम ढक देते हैं 7 मिनट के लिए। हम ढक्कन हटा के एक बार हम देख लेते हैं। किनारे किनारे से पूरा तेल अलग होने लगा है। अब हम आँच तेज कर देंगे
और एक सांसी की मदद से इसे हम पकड़ लेंगे और इसको हम अच्छे से चलाएंगे। और आपको हम दबा के दिखाते हैं, देखिए 15 मिनट पूरा पक गया है, देखिए कैसे अलग हो रहा है। इस प्रकार से ये अच्छी तरह से पक गया है, मसाला भी अच्छे से पक गया है। तो हम इसे अच्छे से बस चला देंगे, ये पूरी तरह से पक गया, ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, इतना ही रहने देंगे। आपको हम एक बार और दबा के दिखा देते हैं, आप देखिए कैसे कट रहा है, कितना आसानी से दो टुकड़ा हो जा रहा है। तो हम गैस बंद कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे और एक बर्तन में हम निकाल के रख देते हैं। ये देखिए, आप इसे अचार के रूप में खाइए या सब्जी के रूप में खाइए, और सीजन में सब चीज़ खाना चाहिए। इस प्रकार आप आंवड़ा की सब्जी, सूखी सब्जी बना के खाएं, बहुत ही अच्छी लगेगी। आप चावल के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे। और बस ये एक दो ही महीना मिलता है, उसके बाद फिर नहीं मिलता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।